बरेली के नवाबगंज में बीती रात जमकर हंगामा हुआ। अपनी सरकार में भाजपाइयों को 3.5 घंटे तक धरने पर बैठना पड़ा। इस दौरान भाजपाइयों ने निवर्तमान चेयरमैन सहला ताहिर और एसडीएम नवाबगंज पर धांधलीबाजी का आरोप लगाया है। आरोप लगाया है कि एसडीएम और निवर्तमान चेयरमैन ने कई लोगों के वोट कटवा दिए हैं। क्या नाम है आपका? नीरेन सिंह राठौर। किस बात को लेकर धरना है? आज विलोपन और प्रवर्धन और संशोधन जमा करने की अंतिम तारीख थी, 5 बजे तक की समय सीमा थी, लेकिन यहाँ स्थानीय प्रशासन ने एसडीएम महोदय के ने अपने व्यक्तिगत उस पर उन्होंने 5 बजे के बाद जो मुस्लिम प्रत्याशी है यहाँ सहला ताहिर उनके जो उन्होंने फार्म जमा करे वो सारे फार्म 2500 फार्म एक व्यक्ति ने जमा करे हैं, वो सारे हिंदू समाज के वोट कटवाने के लिए फार्म जमा करे हैं। जबकि एक मजे की बात मैं आपको बताऊं कि एक व्यक्ति जिसकी पत्नी का वोट और जिसके बच्चे का वोट कट गया था वो फार्म भर के आईडी लगा के 2 फार्म जमा करने आए स्वयं, तो एसडीएम महोदय ने उससे मना कर दिया कि कोई फार्म जमा नहीं करेगा। उस समय हो रहा था 4:30 बजे, वो गुस्से में वो दोनों फार्म फाड़ के वहीं फेंक के चला गया। और दूसरे जो हिंदू समाज के 2500 फार्म विलोपन के लिए आए कि हिंदू 2500 मत काट दिया जाए, वो फार्म 5:30-6 बजे तक लिए गए हैं, जबकि 5 बजे तक का नियम था कि 5 बजे के बाद कोई फार्म नहीं लिया जाएगा। हमने जब इस बात की शिकायत की तो एसडीएम साहब का कहना था कि ठीक है आपको जो करना कर लो, आपकी पार्टी जो करना चाहे मेरा बिगाड़ ले। एसडीएम राम अक्षवर ने ये कहा आपकी पार्टी मेरा जो बिगाड़ सकती है बिगाड़ ले, जो करना है आपको कर लीजिए, लेकिन मैं इनके फार्म जमा करवाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैंने उनसे दूसरा सवाल किया कि क्या एक व्यक्ति 2500 फार्म एक साथ जमा कर सकता है? बोले नहीं भी कर सकता तब भी मैं करवाऊंगा, मेरा मैं एसडीएम हूं, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, आपको आपके सीएम को आपकी पार्टी को जो करना हो मेरा उखाड़ ले। ये स्थिति थी, सीधा सीधा है, इस एसडीएम ने लाखों रुपए की रिश्वत ली है, लाखों रुपए की, 1-8 लाख की नहीं, लाखों रुपए की रिश्वत ली है। ये उन्हीं की भाषा बोल रहा है, नियम कायदे कानून सारे ताक पर रखे और उनके फार्म लिए गए। हम इसी बात को लेकर यहाँ पर धरने बैठे हैं कि वो फार्म इन्होंने किस प्रकार से लिए हमको जरा समझाएं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि जो उन्होंने फार्म लिए हैं एसडीएम को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। ऐसे एसडीएमओं के साथ मुझे उम्मीद नहीं है नवाबगंज नगर के अंदर निष्पक्ष चुनाव हो सकता है। काला दलाल है, उसे कैंसिल करो। हालांकि एसडीएम ने उनके आरोपों को गलत बताया। देर रात एसडीएम के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ। करीब 3.5 घंटे तक भाजपाइयों ने धरना दिया है। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ ये जो बाहर लोग जो धरने पे बैठे हैं ये क्या मामला है पूरा? नगर पालिका नवाबगंज की मतदाता सूची का प्रकाशन 9 तारीख को हुआ, 9 अक्टूबर को, और 9 से 15 तक इसमें आपत्तियां, आक्षेप और आपत्तियां देने का समय था, और आज 5 बजे तक का देने का निर्देश था। तत्क्रम में आक्षेप वगैरह लिए जा रहे थे, उसी में आपस में दो पक्षों में दुर्दमय हुई, विवाद हुआ, उसी बात को लेकर के अभी एकत्रित हैं, उनको समझाया जा रहा है और यथासंभव निराकरण करा लेंगे। एसपीएन 9 न्यूज के लिए बरेली से विकास वर्मा की रिपोर्ट।